पिछले तासिका में हमने देखा था कि कवि ने अमीर और गरीब इनमें अंतर बताया है, तो यहाँ पर भी कवि यही बताना चाहते हैं कि जो अमीर लोग हैं, इन अमीर लोगों के पास सुख के बहुत से साधन होते हैं और ऐसे सुख समृद्धि के साधन युक्त घरों में वह सुंदर घरों में रहते हैं और इसलिए उनका जीवन खुशियों से भरा रहता है। वही दूसरी ओर जो गरीबों के घर होते हैं वह टूटे फूटे होते हैं, बरसात में टूटे फूटे होते हैं, है ना, क्योंकि अगर बरसात में बारिश होती है तो उनके घरों में पानी पाया जाता है, ठंड के मौसम में भी दरवाजा भी बंद किया जाए तब भी ठंड लगती है क्योंकि छत से या जो दीवार होती है वह भी आधी अधूरी होती है, उससे वहां पर ठंड होने लगनी लगती है। तो यह गरीबों का जो जीवन है अभाव से युक्त होता है और इसलिए इनके जीवन में जो है वह उदासी छाई होती है या उनका जीवन दुख भरा होता है। और इसलिए कवि यहां पर यह कहते हैं, आगे कवि ने कहा है कि इससे पहले मनुष्य को अपने पेट की चिंता बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों नहीं थी? उसे चिंता नहीं सताती थी। आजकल लोग इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पेट की चिंता सता रही है, कितना खाया जाए, इसलिए। तो यहां पर वह उन्हें पेट की चिंता नहीं थी ऐसा बताते हैं, क्योंकि उस समय जो प्रकृति है वह प्रकृति हर जीव को खाने के लिए उसे अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ देती थी। मतलब यह प्रकृति जो है अपनी माँ की तरह, एक माँ की तरह वह सभी जीवों का पालन पोषण करती थी। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों को बड़ा करती है उसी तरह से यह धरती, यह प्रकृति मतलब यह धरती, यह सभी का पालन पोषण करती है। तो अब कवि का कहना है कि अगर यह धरती सभी का पालन पोषण करती है, हमारी माँ है, तो हम सभी उसके संतानी हैं। मतलब अमीर और गरीब यहाँ पर दोनों क्या है? भाई है। और यहाँ पर एक भाई का दूसरे भाई के ऊपर अधिकार होता है और उसी अधिकार से कवि का कहना है कि इन अमीरों को अपने गरीब भाई की कुछ ना कुछ मदद करनी चाहिए, जिसके कारण एक समानता, समता यहाँ पर इस धरती पर प्रस्तापित हो, ऐसा कवि चाहते हैं और यही उनकी कामना है कि इस धरती पर कोई भी भूखा न रहे।